नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजल पांडे और आप देख रहे हैं ज्ञान जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार तालिबान कैसे अफगानिस्तान में पनपा और आज उसके पास इतनी शक्ति कैसे आ गई है कि वो धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान में अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये पूरा भारत ही था। जब मुगल का इन्वेजन हुआ, जब मुगलों ने यहाँ पे आक्रमण किया, तब भी जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा था और पाकिस्तान का हिस्सा था वो भी भारत में था। लेकिन जब ब्रिटिश आए उसके बाद अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ है। जिस तरह ब्रिटिशों के आने के कारण पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ, उसी तरह जो अफगानिस्तान था वो भारत से अलग हो चुका था। ब्रिटेन ने जब इंडिया पे इन्वेजन किया था तब अफगान के लोगों को, यानी कि अफगान में तब कबीले हुआ करते थे, तो उन कबीलों के सरदार और ब्रिटेन की जो सरकार थी उनके बीच में 3 एंग्लो वॉर लड़ी गई थी, जिनमें जीता तो अफगानिस्तान ही था लेकिन अफगानिस्तान एक अलग देश के रूप में निकला था। अगर हम अफगानिस्तान की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देखें तो वहां पे हमें पता चलता है कि जो अफगानिस्तान वाला एरिया था ये गांधार किंगडम के अंदर आता था। आप सभी लोग जानते होंगे कि गांधार शकुनी का राज्य था। आज के समय में भी अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है कांधार। नाम थोड़ा सा बदल गया है लेकिन वो जो रीजन था वो पहले गांधार के अंदर ही आता था। अब हम सीधे आते हैं 1799 में जो अफगानिस्तान वाला रीजन था उसमें राजा रंजीत सिंह का राज हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुगल का इन्वेजन हुआ, ब्रिटेन का इन्वेजन हुआ, उसके कारण जो वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनकी मेजोरिटी बढ़ती गई, यानी कि जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम मेजोरिटी होती गई। और जैसा कि हमें पता ही है कि आज के समय में पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा है वो मुस्लिम मेजोरिटी वाला पूरा एरिया है। फिर साल आता है 1973 तक वहाँ पर जाहिर शाह का राज था। जाहिर शाह माना जाता है कि एक अच्छे लीडर थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे होता है तख्तापलट और तख्तापलट में मोहम्मद दाऊद खान वहाँ के नए राजा बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अफगानिस्तान में गांधार किंगडम था और गांधार किंगडम के बाद में ही और उस टाइम पे भी जो अफगानिस्तान का लिटरेसी रेट था वो काफी सही था, यानी कि उस समय जो पढ़े लिखों की संख्या थी वहाँ पे काफी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही इस्लामिक इन्वेजन हुआ है उसके बाद से ही जो वहाँ पे लिटरेसी रेट है वो काफी ज्यादा गिर चुका था। और देखते ही देखते जो 1973 का साल था जब तख्तापलट हुआ था, तब केवल 14% की जो आबादी थी पूरे देश की, यानी कि अफगानिस्तान की, वो केवल शहरों पर रहती थी, बाकी सभी लोग गांव में रहते थे और ना ही कोई फैसिलिटीज थी वहां पे उस पूरे देश में। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में तो अफगानिस्तान का जो पूरा इलाका है वो ज्यादातर बंजर इलाका है, जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ और रेगिस्तान फैले हुए हैं, जिसके कारण वहाँ का जो टेरेन है वो काफी मुश्किल है। इसके बावजूद वो पूरा देश, यानी कि अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वो पेट्रोलियम रिच है, जहाँ पे कई सारी नेचुरल गैस पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस होता है। यूएसए ने जब अफगानिस्तान में एंट्री करी थी तो उसने यही सोच के किया था कि वो जो वहाँ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उससे ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकता है। उसे उस समय वहाँ पे जो फैला आतंकवाद था उससे कोई मतलब नहीं था, वो केवल और केवल अपने फायदे के लिए आया था। जैसा कि हमने देखा था कि 1973 में अफगानिस्तान में होता है तख्तापलट और मोहम्मद दाऊद खान बनते हैं वहाँ के नए किंग, उसके बाद ही होती है सोवियत की एंट्री। सोवियत की एंट्री के बाद से ही जो पीडीपीए पार्टी है अफगानिस्तान की और सोवियत मिलके वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है ये पूरे सोशलिस्ट मॉडल पे बिलीव करती है और जो पूरा अफगानिस्तान है वहां पे कम्युनिज्म फैलाने की कोशिश करती है। सोवियत का जो मेन मकसद था वो यही था कि वो पूरे अफगानिस्तान में कम्युनिज्म फैलाए, जिसके कारण वहां पे कम्युनिस्ट मॉडल फॉलो किया जाता है। और उसके साथ ही साथ इस गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी मजबूत किया और साथ ही साथ वहाँ पे जो महिलाएं थी उन्हें फ्रीडम दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक इन्वेजन के बाद से ही जो ज्यादातर जनसंख्या थी अफगानिस्तान की वो इस्लाम धर्म को फॉलो करती थी, तो इसके कारण उन्हें ये लगा कि महिलाओं को जो ये फ्रीडम दिया जा रहा है वो उनके कल्चर के खिलाफ है, जिसके कारण उनमें उनके अंदर ही कई सारे ग्रुप्स बन गए जो आगे चलकर उस गवर्नमेंट का अपोज करने लगे और वही आगे चलकर मुजाहिदीन बने। इसी टाइम एंट्री करता है अफगानिस्तान में अमेरिका। अमेरिका डायरेक्ट अफगानिस्तान में एंट्री नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि अफगानिस्तान में सोवियत की गवर्नमेंट है, तो इसलिए वो जो मुजाहिदीन होते हैं उनको फंडिंग करता है ताकि वो जो सोवियत की गवर्नमेंट है उससे लड़ सके। और साथ ही साथ अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर जो वहाँ के आतंकवादी हैं उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अब पाकिस्तान की ISIS और आर्मी अफगानिस्तान के जो आतंकवादी हैं मुजाहिदीन उन्हें ट्रेनिंग देती है, और जिसका नतीजा ये हुआ कि USSR को ये समझ में आ गया कि अफगानिस्तान के अंदर रहकर वहाँ के जो आतंकवादी हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उनसे जीता नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ की जो टेरेन थी वो काफी ज्यादा कठिन थी। इसके बाद अफगानिस्तान से जैसे ही सोवियत बाहर निकलता है वहाँ पे जो आतंकवादी हैं उनका जो कब्जा होता है वो धीरे धीरे अफगानिस्तान के ऊपर बढ़ जाता है। और इसके बाद ही
अफगानिस्तान के अंदर 1992 से लेकर 1996 तक सिविल वॉर चलती है, और इसी के बीच में साल आता है 1994, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी साल मोहम्मद उमर ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का गठन किया था। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हमने देखा कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री क्या थी और तालिबान का कैसे जन्म हुआ। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि तालिबान एक इतना बड़ा आतंकवादी संगठन कैसे बना और आज की सिचुएशन वहां पे क्या है। तो मैं था सुजल पांडे, आप देख रहे थे ज्ञान जरूरी है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। What a wonderful world.